नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस समय कोरोना काल में जगह जगह हॉस्पिटल में और जगह जगह जिले में ऑक्सीजन की मारामारी है। कोरोना काल में हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई है। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी और कुछ घर के परिजन ने भी अस्पताल में तोड़फोड़ की थी और हंगामा किया था। हमने आपको बताया भी था इसके बारे में, इस न्यूज हमने आपको दी थी। सुल्तानपुर में एक डॉक्टर ने वीडियो वायरल किया है। उन्होंने वीडियो में बताया है कि ऑक्सीजन का रेगुलेटर नहीं होने पर भी हम ऑक्सीजन का उपयोग घर पर भी कर सकते हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्रियाकलाप पूरी उस वीडियो में बताया है। ऑक्सीजन की विधि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके और बहुत ध्यान से समझाया है और बहुत छोटी सी विधि हमने वीडियो में देखा है। वो वीडियो हम आपको भी दिखा रहे हैं। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे या किसी तक पहुंचाएंगे तो क्या पता इस जानकारी से किसी भी की जान बच सकती है या फिर कोई ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं हो सकती। वीडियो हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या करना है। इस समय रेगुलेटर के लिए बहुत परेशान हो रही है, जगह जगह भटक रही है, लेकिन आप विदाउट रेगुलेटर भी ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं अपने मरीज को। बस उसके लिए थोड़ी सी टेक्निक की जरूरत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने 20 ml सिरिंज लेनी है, उसका पिस्टल को अलग कर देना है, ठीक है ना। इसको हल्का सा काट लेना है, इसके बाद हमें सिलेंडर के नोजल पे इसको फिट कर लेना है। उसको उसके बाद 2-3 रबर बैंड हमें लगा लेनी है जिससे थोड़े से लीकेज ना हो। इस प्रकार से हमने सिरिंज को लगा लिया है और अब हम सिलेंडर को खोलेंगे। बहुत ही धीरे गति से खोलना है, ज्यादा तेज नहीं खोलना, ठीक है। खुल गया सिलेंडर। अब हम इसके बाद जो मास्क की ट्यूबिंग है उसको भी काट लेनी है कि इसके नोजल पे अच्छी तरह से फिट हो सके। फिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी ऑक्सीजन बहुत ही 2 या 4 लीटर में पहुंच रही है आराम से, ठीक है। इसको आपको मास्क द्वारा पेशेंट को लगा के ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। इसे रेगुलेटर के पीछे परेशान ना हो, खाली सिलेंडर होना चाहिए और गैस होनी चाहिए। आप आराम से पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। कैसी लगी आपकी वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।